बस उस समय ही राहुल से उसकी फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया राहुल ने और उसको कन्विंस कर लिया उसको अपनी। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। रविवार को इंदौर स्थित अपने घर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली टक्कर ने आत्महत्या कर ली। वैशाली की आत्महत्या ने न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री बल्कि हर किसी को झकझोर के रख दिया। पहले तो किसी को इसका विश्वास नहीं हो सका कि वैशाली ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन फिर वैशाली के सुसाइड नोट में पूरे मामले से पर्दा हटा। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और पड़ोसी राहुल नवलानी से प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। वैशाली ने अपने नोट में लिखा है कि बीते 2.5 साल से राहुल और उसकी पत्नी दिशा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वहीं वैशाली की मां ने भी कहा है कि राहुल वैशाली को प्रताड़ित करता था। सबसे पहले तो आप सुनिए वैशाली की मां ने क्या कहा। तो 2.5 साल हुए थे एक्चुअली, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, वैशाली उसके पहले मुंबई रहती थी या रहती नहीं थी, जब आई थी तो भी उस राहुल से उसका परिचय हुआ। 2.5 साल हो गए। तो बस उस समय ही राहुल से उसकी फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया राहुल ने और उसको कन्विंस कर लिया उसको अपनी, राहुल मैरिड है, दो बच्चे हैं उसके। तो वैशाली ने उसको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड माना, उससे अपनी बाहर बातें शेयर करने लगी, वो फ्रेंड माना, लेकिन राहुल उसको एक अलग लेवल पे ले गया। और फिर एक्चुअली हमको ये बातें कुछ पता नहीं चली, तो मैं ज़्यादा इस बारे में इतना जानती भी नहीं, लेकिन जो फिर वैशाली ने अभी उस दिन ही बताया कि भाई राहुल ने मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, मैं इससे बाहर निकलना चाहती हूँ, ये मेरे को निकलने नहीं दे रहा। वो उसके फ्रेंड्से के साथ बहुत खुश थी वैशाली, तो राहुल ने उसके फ्रेंड्से को भी कुछ गलत मैसेज भेजे, फेक आईडी बना के, इंस्टा की फेक आईडी बना के मैसेज भेजे कि वैशाली अच्छी लड़की नहीं है, वैशाली बहुत कैरेक्टर लेस है, वैशाली से शादी मत करो, ऐसे कुछ करके। या राहुल या उसकी वाइफ ने, दोनों में से एक, बाकी वैशाली की और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो हमारा डाउट क्या, मतलब पूरा यकीन है कि राहुल और दिशा या फिर एक रोहित नाम है और दिशा के भाई का, उस इन तीनों में से इन्हीं लोगों ने मतलब मिलकर इनकी प्लानिंग से ही सब हुआ। तो बस अब मैं क्या बोलूँ, वैशाली को न्याय मिलना चाहिए। परिवार के लोगों से आपसे जो उन्होंने बात की, कि आपने कहा कि परिवार के लोग बात होगी समझा रहे राहुल को, तो उन्होंने भी कुछ आपसे कहा था कि जितना वो बाहर से सॉफ्ट है सब कुछ। हाँ, उसने बोला कि अभी वो हाँ भर देगा सबके सामने, अभी वो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल सीधा सच्चा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो डर मूवी का शाहरुख खान है, वो ऊपर से जितना वो स्वीट है सॉफ्ट है, अंदर से कितना डेंजर है, मैं उसको जानती हूँ, उसको जितना कोई नहीं जानता। 2.5 सालों में मैंने समझा राहुल को कि वो कैसा डर का शाहरुख खान है, वो डेंजर है वो। बोला उसने मेरी लाइफ ख़राब, वो और उसकी वाइफ ने बोला था वैशाली को कि मैं तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, और उसने कर दी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय। शायद कुछ शादी 20 तारीख होने वाली थी, 20 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज होने वाली। अच्छा, उसके पहले एक सप्ताह पहले उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वही डाली, तभी तो इनको पता चला कि वैशाली का फ्रेंड से है ये मितेश कुमार गौर। तो से ही फिर उनको पता चला, तो उन्होंने वो मितेश को टेक करके वो डाला कि भाई वैशाली अच्छी नहीं है, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें उसको जैसे, तो वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसने वैशाली को बोला कि जो 20 तारीख को कोर्ट मैरिज है, मैं अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा सोचने समझने में, मैं प्रिपेयर नहीं हुई जो इतना सब कुछ मैं सुन रहा हूँ तेरे बारे में, जो जो मेरे को किसी आईडी से मैसेज। जैसा कि आपने सुना, वैशाली की मां ने भी राहुल पर ही इल्ज़ाम लगाए। ऐसे में आइए आपको उस राहुल नवलानी के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से वैशाली टक्कर को आत्महत्या करनी पड़ी। वैशाली के भाई नीरज ने बताया कि राहुल और वैशाली की दोस्ती 3 साल पहले हुई थी। राहुल और वैशाली साथ में जिम जाया करते थे। राहुल और वैशाली के पिता भी बहुत अच्छे दोस्त थे। राहुल और उसके पिता का प्लाईवुड का बिजनेस था, इसके अलावा वो एक फर्म भी चलाता था। नीरज ने बताया कि राहुल कभी कॉलेज नहीं गया है, उसने सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ाई की है और उसका ध्यान पढ़ाई और बिजनेस के अलावा खुराफाती चीज़ों में ज़्यादा लगता था। वैशाली और राहुल की दोस्ती जब बढ़ी तो दोनों बाहर घूमने के लिए गए। इस दौरान राहुल ने वैशाली की कुछ तस्वीरें ली। राहुल ने वैशाली की ऐसी तस्वीरें दी जिसके जरिए वो उन्हें ब्लैकमेल करता था। राहुल वैशाली को कहता था कि वो इन तस्वीरों को दूसरे लोगों को दिखा देगा और उसकी शादी कहीं पर भी नहीं होने देगा। और राहुल ने ऐसा किया भी।
राहुल ने वैशाली की दो बार शादी तुड़वाई थी और तीसरी बार वैशाली की शादी मितेश नाम के एक लड़के से होने वाली थी। उससे भी ये शादी तुड़वाने की फिराक में था राहुल। राहुल की पूरी कोशिश थी कि वैशाली और मितेश की शादी टूट जाए और इसी के चलते वैशाली टक्कर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि राहुल ने 2.5 साल तक उन्हें इस हद तक प्रताड़ित किया कि वो और कुछ सोच और समझ ही नहीं सकी। उन्होंने राहुल के अलावा उसकी पत्नी दिशा पर भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल तो राहुल और दिशा गिरफ्तार हैं। इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।